आओ आओ छपरी महाराज, आज हम तुम्हारा अच्छे स्वागत करेंगे। अभी तुमने नाक कटवा के रख दी, बस यही देखना और बाकी था। ऋषिक तुमने घर में आके आज नाक जो कटवाई है मुंबई की, ये तो भैया कभी नहीं हुआ। देख रहे हो हैट्रिक लग गई है हार की, 3 लगातार मैच मुंबई हार चुकी है। अरे दरोगा जी बताओ, ये दुख कैसे सहन करे, कैसे किसी को मुंह दिखाए। दुनिया मजाक बना रही अंबानी का, कितने ख्वाब देखे हमने कि इन छपरी महाराज को लाए हैं, कप्तानी करेंगे, मुंबई इंडियंस जीत के झंडे गाड़ेगी। अरे भैया यहाँ तो हार का झंडे झंडा गड़ रहा है, ट्रिक लग रही है हार की। अब बोल कैसा मुंह लटका के खड़ा है, जवाब दे आज मैच कैसे हारा। मैं रहेंडे भी अम्बानी जी, रहेंडो बेचारा पहले शर्मिंदा है, देखो कैसे बेचारा मुंह लटका खड़ा है। लेकिन अबे पांडू किस नींद में सोए हो, एक तो हम आके मुंबई इंडियंस में ज्वाइन कर लिए हैं, दुनिया हमारा भी मजाक बना रही है। सब कहते हैं कि दरोगा की वजह से मुंबई हारे, बताओ भैया इसमें हमारा क्या दोष है। बताओ अम्बानी जी हम इस मुंबई को छोड़ के चले जाएं, अब अगर हम बीच में इस मुंबई को छोड़ के जाएं तो लोग कहेंगे कि बबू मां दरोगा भगोड़ा है, टीम हारे इसलिए बीच में छोड़ के चला गया। अब हमारे ऊपर भी न जाने, अब हम क्या करें, न कहीं जा सकते हैं और न ही रह सकते, दुख पे दुख है। ए चाचा तो हम क्या करें, बताओ मेरी किस्मत ससुरी इतनी उलट पुलट हो चुकी है, वही हार्दिक है जो गुजरात पहली बार में चैंपियन बनाया था, और जब से भैया इस मुंबई इंडियंस में आए हार पे हार लग रही है। हमको लग रहा है भैया रोहित शर्मा के फैंस की बद्दुआ लग रही है हमको, इसीलिए मैच डर मैच हार रहे हैं। अरे दरोगा जी नहीं तो बताओ, तुम ही बताओ इसमें हमारी क्या गलती है, अपनी टीम वही है जो 5 बार चैंपियन बनी थी और अब एक मैच नहीं जीत पा रही है। अरे तुम ज्ञान मत फेलो प्रभु, हमारा जो पैसा है वो हमको पैसा दो और बस फूटो तुम यहाँ से। तुमको हमने देख लिया, फूट के पाए पालने में पता चल जाते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगे। अरे गुजरात को तुमने पहली बार जिताया, हम मानते कहीं तुक्का लग गया होगा तुम्हारा, इसलिए तुम पहली बार चैंपियन बना दिए हो, नहीं तो आज सीबी कितनी तगड़ी टीम है वो क्यों नहीं जीत रही है। महाराज तुम्हारा टुक्का लगा था वो पहली साल में। अम्बानी जी हमको तो लग रहा है कि आज सीबी की तरह अपनी मुंबई की भी किस्मत बनती जा रही है। नहीं बताओ कोई टीम लगातार 3-3 मैच हार रही है, वो भी इतनी खतरनाक टीम होने के बावजूद, जो टीम 5 बार चैंपियन बन चुकी है वो हार पे हार देख रही है। अरे छपरी महाराज खोलो आंखें खोलो, कब तक सोओगे, कौन सा दिन है जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। देख रहे हो मुंबई इंडियंस के मालिक अंबानी किसने नाराज है, हाथ में बांस ले खड़े हैं। इन्हें बांस नहीं, हम इसकी खोपड़ी फोड़ देंगे। तू आ मेरे पास, अब ससुर की बेइज्जती करवा रहा है। कुछ नहीं दरोगा जी, हमने सोच लिया है, कल जाके रोहित से बात करेंगे, कहेंगे बिटुआ तू ही कप्तानी संभाल, इन पांडू महाराज के बस का कुछ नहीं है, मैच दर मैच हरवा रहे हैं, टीमें टेबल में टॉप है और हमारी टीम सबसे नीचे पड़ी है। अब बताओ करोड़ों रुपया हमने IPL में फेंका है, सबसे नीचे टीम देखे तो बुरा नहीं लगता है। अरे भैया अब हमें विश्वास नहीं कि सीजन अपनी टीम का खाता खुलेगा। अरे कुछ नहीं अम्बानी जी, धैर्य रखो, सब होगा, सब सही होगा, इस पांडू को समझाओ। अब रोहित को कप्तानी दो, पता नहीं कप्तानी लेगा भी या नहीं लेगा, भाई वो भी बहुत गुस्सैल इंसान है। अब जो भी है इसी छपरी भाई भरोसा करो।